सजदों में तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारू माही। मैंने डिसाइड किया है, मैं आज ही मॉम से बात करूंगा तुम्हारे और अपने बारे में, और उन्हें तुम्हारे घर लेकर आऊंगा रिश्ते के लिए। देखो मिठाई तो मैं खा लूं, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो ना ठीक नहीं कर रहे। ए यार फजल, क्यों भाई अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपने घर वालों की इज्जत का जनाजा निकालने पर तुले हो? मैं तुमसे तुम्हारे घर की सबसे कीमती चीज मांगने आई। मैं चाहती हूं कि कुबरा को गालिब के लिए मांगे। हाँ, मैंने कभी भी अपना कोई फैसला अपनी औलाद पे नहीं थोपा, और ये तो कुबरा की जिंदगी का मामला है और इसका जवाब वही दे सकती है। अगर वो इससे मुत्तफिक है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, लेकिन कुबरा है कहाँ, आई क्यों नहीं अभी तक? आ गई। बेटा तुम्हारी दादी मुझसे कह रही थी। सुन लिया मैंने अब्बा, आपको बताने की जरूरत नहीं। वैसे दादी, ख्वाहिश तो हमारी भी यही थी ना कि गालिब और सादिया का रिश्ता हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं। अरे कुबरा बेटा, इस बात को तो बीते हुए भी वक्त गुजर गया, अब क्यों तुम खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? तो इस बात को भी यहीं दफना दीजिए ना कुबरा। बस दादी, आप कुछ भी कह ले, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। कुबरा ये क्या कह रही हो तुम? भाई की मोहब्बत हो और हम उन्हीं की इजाजत से यहाँ पे आए ताकि तुम दोनों की शादी हो सके। वाह, उठिए जरा, खड़े तो हुई है। उठिए उठिए। ये क्या तरीका है बात करने का? कुछ नहीं अब्बा, बस अपना हक इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपने कहा था कि मैं रखती हूँ। जवाब लिए बिना तो दादी यहाँ से जाएंगी नहीं, और बड़ों को इंतजार करवाना मुझे पसंद नहीं। उठो उठो गालिब मियाँ। अरे आप अभी तक बैठे हैं? कितनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कायनात की सारी मोहब्बत को अगर एक तराजू में डाला जाए तो मेरी मोहब्बत का पल पल भारी रहेगा। तुमसे बेहतर कौन जानता है कुबरा? मेरे बचपन से आज तक सिर्फ तुम्हें चाह रहे। दुनिया की सारी मोहब्बत पर मेरी मोहब्बत गालिब रहेगी, बिल्कुल मेरे नाम की तरह। वाह भाई, इतनी तगड़ी मोहब्बत की है तो जवाब भी उसी अंदाज में देना पड़ेगा। नहीं क्यों गालिब, मोहब्बत करोगे तुम? और क्या कह तुम्हारी शक्ल देखी? अरे हटो, रिश्ता लेकर आगे मुंह उठा के मेरे ख्वाब देखोगे? हो कौन तुम? मुझसे शादी करने के ख्वाब देखोगे? देखो मुझे, देखो मैं तुम्हारी औकात दिखाती हूं। और तुम्हारी औकात ना, हटो यार, रिश्ता लेकर आ रही है। आईना देखना भूल गए थे ना? ये देखो, आईना देखो, देखो अब मुझे, देखो देखो मुझे, फर्क नजर आ रहा है? अब पता चल रहा है तुमने किस चांद को पाने की कोशिश की है, जिसका ग्रहण बनने के भी लायक नहीं हो तुम। सोच कैसे लिया कि कुबरा और गालिब एक हो सकते हैं? कैसे? कुबरा खामोश हो जा, खामोश हो जा, वरना वरना क्या, वरना क्या? इस इंसान की वजह से पहले ही बहुत बेइज्जत हो चुकी हूं मैं, मजीद हिम्मत नहीं है मुझमें।
कमाल, तुम अब भी खामोश, यही अहमियत है तुम्हारी माँ की तुम्हारी नजर में? इसकी बदतमीजी से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे मार रही है। अम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। बहुत शर्मिंदा हूं इसके रवैये से, इसने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन अम्मा मेरे साथ भी तो बहुत गलत हुआ था जब गालिब ने सादिया के रिश्ते से इनकार कर दिया था। उसका इनकार मुझे थप्पड़ की तरह पड़ा था, जिसकी तकलीफ मुझे आज दिन तक। मैं नहीं जानता था चाचा कि ये बात आज तक अपने दिल से लगा के बैठे। सादिया मेरी ख्वाहिश थी नहीं चाचा, फिर तो बचपन से कुबरा से मोहब्बत, मुझे कुबरा देते, खुदा ना मुझे कुबरा। ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं 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 नहीं, इस बात करो कुबरा, कुबरा मुझे एक मौका दो, इनकार करके मेरी मोहब्बत का कत्ल कर कुबरा, तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। एक काम करो, मर जाओ, क्योंकि मैं सादिया की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो तुम जैसे फजूल इंसान के पीछे अपनी सारी जिंदगी तबाह कर दे। मैं अपनी मोहब्बत तुम पे कुर्बान नहीं कर सकती, किसी और से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। इस बात को जहन में बिठा लो अपने। कुबरा, कुबरा ये क्या कह रही हो? मैं ये बात ऐसे नहीं बताना चाहती थी अब्बा, लेकिन लेकिन बताना पड़ा। अब्बा वो मुझसे शादी करना चाहता है, मुझसे मोहब्बत करता है, उससे मिलके मेरा हाथ मांगना चाहता है, अपने घर की इज्जत बनाना चाहता है। गालिब भाई साहब, सुन लिया आपने, जो इस तरह से अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं ना भाई साहब, चोरी छुपे खामोशी से रिश्ते नहीं बांधते कभी भी, आज हमारी तो इज्जत का जनाजा निकाल दिया इसने। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इज्जत आपकी भी महफूज नहीं है। भाभी बस, मुझे चुप करा लेंगे आप और मैं खामोश भी हो जाऊंगी, लेकिन क्या दुनिया वालों की जबानों को चुप करा सकेंगे? नहीं ना। और ये आपकी बेटी की हरकत है चाची। मैं खामोश हूं तो इसका फायदा मत उठाएं, लेकर जाइए अपने इस नकारा बेटे को यहां से। अरे इसमें तो इतनी भी गैरत नहीं है कि इतना कुछ सुनने के बाद भी यहां खड़ा है। इसकी जगह कोई और होता ना तो अब तक डूब के मर चुका होता। मेरे मरने से तुम्हें खुशी मिलेगी ना? सही सही है तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपने आप को खुद मार लूंगा। ये क्या पागलपन है, ये क्या पागल है? भाई, भाई मेरी बात सुनो, भाई। भाई, गालिब, भाई बात सुनो, भाई। अरे रुक, भाई रुक के, भाई। बेटा रुक जा, मत जा। भाई, भाई मैं कुबरा से बात करूंगी, मैं मनाऊंगी उसको, आप इस तरह मत जाएं भाई, भाई, भाई मेरी बात सुने, मैं मनाऊंगी उसको, मैं बोल रही हूँ ना, मैं मनाऊंगी उसको। गालिब, अरे बेटा, गालिब मेरी बात तो सुन बेटा। भाई बात सुने, भाई अम्मी फजल को फोन करती हूँ। तुम चाहे जितनी जिद कर लो दानियाल, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर वहां नहीं जाने वाली। हम आप समझने की कोशिश करें,
मैं कुबरा के बगैर नहीं रह सकता। दानियाल तुम अभी नादान हो, कुबरा जैसी लड़कियों की चालाकियों को नहीं समझते। हम कुबरा बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप एक बार प्लीज उससे मिल लें। मैम आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं कुबरा के बगैर नहीं रह सकता? आप जानती हैं मैं उसे पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। और जब मुझे कोई मसला नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम? देखो दानियाल, मसला ये है कि इस घर में मैं अपनी पसंद की बहू लाना चाहती हूँ। तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो वो हमसे मैच नहीं करती। मैम आप एक बार कुबरा से, मैं आपसे वादा करता हूँ वो आपको बहुत पसंद आएगी। मैम आपको उसमें मेरी बीवी ही नहीं, अपने लिए एक अच्छी बहू भी नजर आएगी। आई प्रॉमिस यू मैम, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। उसके साथ होता हूँ तो सब मुकम्मल लगता है मैम, मुझे सब अच्छा लगता है, बहुत अच्छी है मैम। देखी है उसकी अच्छाइयां मैंने सोशल मीडिया पर, काफी लोगों का दिल बहलाया हुआ उसने। लेकिन बेटा हर दिल बहलाने वाली चीज को घर उठाकर नहीं लाया जाता। तो ये आपका आखिरी फैसला है? माँ जी, वो मेरा खालिब। भाई साहब, मेरा बच्चा मर जाएगा। भाई साहब, वो चला गया। कमाल भाई, मेरे बच्चे को बचाना। कमाल भाई, बहुत चाहता है वो कुबरा को, वो उसके बगैर नहीं रह सकता, वो तुम्हारे बगैर। ये देखे, मैं झोली फैला रही हूँ आपके सामने, मेरी झोली में कुबरा को डाल दे भाई साहब, खुदा के लिए मेरे बच्चे की खुशियां उसे लौटा दे, नहीं तो वो मर जाएगा। कमाल भाई, मेरा बच्चा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं चाचा? आप तो भाई से बहुत मोहब्बत करते थे, बाबा की छवि नजर आती थी आपको उनमें। आप हमेशा उनसे कहा करते थे कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझसे बिना झिझक बोलना, और आज जब उन्होंने आपके सामने अपनी झोली फैलाई है तो आपने इस तरह आके फेर ली। वो झोली हमेशा खाली ही रहती है जो अपनी औकात भूल जाती है। गालिब ने भी यही गलती की, ठोकर तो लगनी थी। कमाल, तुम बेटी की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए, तुमने अपनी माँ की बात की लाज नहीं रखी, किसी खातिर में ही नहीं लाए माँ को। माँ ये कहकर मुझे गुनाहगार तो ना करें, एक दफा आपकी बात की लाज रखते हुए मैं एक बेटी को तो बर्बाद कर चुका हूं, दूसरी बेटी माँ जी मुझे माफ कर दे। अब्बा, अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं इनसे? माफी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए, आज इनकी वजह से सादिया अपने घर में खुश नहीं है, और आप चाहते हैं कि मैं इनके बेटे गालिब से शादी कर लूं। किसी ऐरे गैरे से शादी करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई मैं। कुबरा हूं, महलों में राज करने वाली हूं, इससे उससे शादी नहीं कर सकती। कुबरा, महलों पे राज राजकुमारियां ही करती हैं, हम जैसी लड़कियां नहीं। मिश्रा बिल्कुल ठीक है। अम्मा मेरी बेटी को बद्दुआ तो मत दे। मैं क्या बद्दुआ दूंगी? बद्दुआ तो वो देगा जिसका दिल तोड़ा है। और याद रखना, टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श भी हिला देती है। अम्मा सादिया के टूटे दिल की याद तो किसी को नहीं लगी, तो फिर आप गालिब के टूटे दिल की याद से क्यों डरा रही हैं? कमाल, तुम्हारी दलीलें मेरे नजदीक बहुत कमजोर हैं, बहुत फीकी। आज तुमने अपना वकार मेरे आगे गिरा दिया। होगे तुम बड़े जमींदार, करते होगे बड़े बड़े सौदे, लेकिन रिश्तों के मामले में तुम बहुत ही छोटे हो, बहुत छोटे।
क्यों उस कमजर के पीछे अपने कीमती आंसू सुसाया कर रहे तू यार? उसे अंदाजा ही नहीं कि उसने क्या खोया है। कमजर नहीं है वो। सजदों में तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारू माही। सजदों में तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारू माही। अगर वो उस लड़की से शादी करना चाहता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शहरयार, अगर बच्चे नादानी में जिद करने लगे तो जरूरत नहीं है कि उनकी हर बात मान ली जाए। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे से दूर गुजार दी। अब तुम अपने फैसले उस पर डालकर उस पर जोर लगाना चाह रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शहरयार? तुम हमेशा मुझे अपना और दानियाल का दुश्मन क्यों समझते हो? मैं पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहता। तुम दानियाल का रिश्ता लेकर जा रही हो और बात खत्म। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ऐसे लोअर क्लास लोगों के साथ उसका बैठना पसंद नहीं करती। तुम रिश्ता ले जाने की बात कर रहे हो? कैसी बातें कर रही हो? दानियाल मरने की बातें कर रहा है। प्लीज अपने ये स्टेटस के इश्यूज छोड़ दो। जवान बेटा है, अगर कोई गलत कदम उठा दिया तो सारी जिंदगी रोती रहोगी। और फिर एक बार जाकर मिलने में हर्ज क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा शहरयार कि तुम बाप बेटे के बीच में हमेशा मैं ही क्यों पिसती हूँ। मुझे क्यों अपने अरमानों का गला घोटना पड़ता है? पहले तुम्हारी वजह से मैं घुट घुट के जीती रही और अब दानियाल, तो फिर मेरे अरमान कहाँ हैं? मेरी हसरतें, मैं उन्हें कैसे पूरा करूं? तुम्हारे इन्हीं इश्यूज की वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आता, दानियाल से नहीं मिल सकता। मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में बात करूंगा। तो बड़ा तंग था ना मेरे ख्वाबों से। अब नहीं सुनाऊंगा तुझे ये ख्वाब। अपने हाथों से सारे रिश्तों को दफना दिया मैंने। मेरी दादी का मान टूट गया है यार। खुद को संभाल यार, तूने कुछ नहीं किया है ना, तूने कुछ तबाह किया। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि तेरी आंखों से जो कुबरा की मोहब्बत की पट्टी थी ना वो उतर गई है। अपने आप को कोसना बंद कर यार, कुछ नहीं किया है तुमने। तू सही कह रहा है। मेरी सोच भी कैसे लिया मैं उसके ख्वाब देख सकता हूँ। भूल गया था मैं कि जब तो ख्वाब टूटते हैं तो उसकी किरची आंखों में चुभती हैं। कैसे जीऊंगा इस बोझ के साथ बदल, कैसे जीऊंगा? खुद को संभाल यार, क्यों उस कमजर्फ के पीछे अपने कीमती आंसू सुसाया कर रहा है तू यार? उसे अंदाजा ही नहीं कि उसने क्या खोया है। नहीं नहीं नहीं, कमजर नहीं, नहीं है वो। मुझे बड़ा मान था अपने वहां पर। जरूर
गया यार। गालिब, गालिब, बात सुन। एक लड़की छोड़कर गया तू जिंदगी हारने जा रहा था, पागल हो गया है क्या? जिंदगी भर तूने दूसरों को समझाया है, कौन है ये? लड़की के इंकार की बात तो ही है। नहीं मारना चाहिए, पर नहीं भूलेगा मुझे। देख, जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहान आते हैं यार, ये भी एक इम्तिहान ही है। पास करेगा खुशी मिलेगी, वरना दुख है। और मैं तुझे दुखी देखना नहीं चाहता। पूछो मत सादिया, जो हुआ ना मैं तो कह भी नहीं सकती। ना किसी का मान, ना लिहाज, ना रिश्तों की इज्जत। कुबरा ने कुछ नहीं देखा, सीधा जाकर गालिब के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ में नफरत से ज्यादा बदले की आग थी। कुबरा ने सारे खानदान को वो बातें सुनाई ना कि क्या बताऊं, गिन गिन कर बदला लिया बिल्कुल सूद समेत। वैसे सादिया, मुझे लगता है कि कुबरा के उस थप्पड़ ने सब खत्म कर दिया है। अरे अभी कहाँ, क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। तुम खाओ ना, बल्कि खाना भी खाकर जाना आज। ठीक है। कुछ खा लें आपने, कब से कुछ भी नहीं खाया। नहीं खाना मुझे, भूख नहीं है। इतनी नाराज की आप यही सोच रहे हैं ना कि दादी जान अब आपसे कभी बात नहीं करेंगी, चची जान कभी हमें नहीं बुलाएंगी। ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ यहां से। ठीक है, चली जाती हूँ मैं यहां से, लेकिन लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगी, आपको मुझे इतना इख्तियार नहीं देना चाहिए था, इतना हौसला नहीं देना चाहिए था कि गलत को गलत और सही को सही कहती। मैं अब आपने ने तो सिखाया है बचपन से कि गलत का साथ नहीं देना, जो सही लगे वही करना, फिर आप भूल गए, आप भूल गए उन लोगों ने सादिया के साथ क्या किया था। फिर कैसे मैं सादिया की मोहब्बत पे अपना घर बसा लेती। नहीं अब्बा, अगर आपको इस सब के बाद भी लगता है कि मैं ही गलत हूं और मैं ही सबकी वजह हूं, तो ठीक है, मैं
मैं भी जाके दादी को कॉल कर देती हूँ और हाँ कर देती हूँ, मार देती हूँ अपनी खुशी, मांग लेती हूँ सबसे माफी अपने रवैये की, बना लूंगी उन सबको, जहां कहेंगे शादी कर लूंगी, बस मैं आपको दुख नहीं दे सकती। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, जो तेरी खुशी है वही मेरी खुशी। मैं एक बेटी को तो उसका प्यार नहीं दिला सका, लेकिन दूसरी बेटी के साथ ऐसे नहीं होने दूंगा। तुम जहां कहोगी मैं तुम्हारी शादी करूंगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपने इस फैसले पे आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगी। बेटा, नाम क्या है उसका? दानियाल। से कहो कि मुझसे आके मिले। जी। मोहब्बत को निकाल के बाहर फेंक दूंगा मैं, उसकी सारी यादें, उसकी सारी परछाइयां, उसके सारे नक्श मिटा दूंगा अपने। सजदों में तुझको मांगू, मन्नत तेरी उतारू माही। सजदों में तुझको मांगू, मन्नत तेरी उतारू माही। भाई, मम्मी, अम्मा, गालिब, गालिब, अरे सब ठीक तो है ना बेटा? कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है कितने परेशान हो रहे थे हम लोग। सब ठीक तो है ना बेटा? गालिब, क्या हुआ बेटा? माफ करते हो भाई? अरे नहीं बेटा, मैं सबका गुनहगार हूँ। अच्छा, ऐसा मत कहो। गुनहगार तो कुबरा है जिसने आपकी मोहब्बत को ठुकरा दिया भाई। मेरा बच्चा। आदि, मेरे लिए दुआ करे ना, मुझे आराम आ जाए, मुझे सुकून मिल जाए। अल्लाह तुझे खुश रखे, तुझे सुकून दे। सब कुछ तबाह कर दिया। अरे नहीं बेटा, अपनी मोहब्बत के साथ साथ पूरे खानदान की इज्जत का भी जनाजा निकाल दिया था। उसकी मोहब्बत में इतना अंतर हो गया कि मुझे आप सबकी मोहब्बत दिखाई नहीं दे रही। बस करते बेटा, मोहब्बत को निकाल के बाहर फेंक दूंगा मैं। उसकी सारी यादें, उसकी सारी परछाइयां, उसके सारे नक्श मिटा दूंगा अपने। अच्छा, हाथों से दिल से। बस कर दे, फिर माफ कर देंगे मुझे। अरे ऐसा मत बोल बेटा, ऐसे मत बोल। माफ कर दो। हमने कुछ नहीं किया बेटा। गालिब, क्या हो गया मेरे बच्चे को? मैं आप ही को एक कॉल करने वाली थी। और मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। कहाँ थी तुम? अब्बा को मना रही थी। और पता है, अब्बा मान गए। क्या? सच?
वैसे आपने किस खुशी में कॉल की थी? मैंने भी तुम्हें यही बताना था, मॉम मान गई। वाकई दानियाल? हाँ मान गई। हम अगले हफ्ते शादी करेंगे। अगले हफ्ते? इतनी जल्दी क्यों? मैं अब तुम्हारे बगैर और नहीं रह सकता। वो तो ठीक है दानियाल, लेकिन इतनी जल्दी में तैयारियां कैसे होंगी? अभी तो इतना कुछ करना है, मैंने लहंगा लेना है, ज्वेलरी लेनी है, फिर शॉपिंग करनी है। मुझ पे छोड़ दे, अपने इस खादिम पे छोड़ दे, वो सब मेरी जिम्मेदारी, तुम बस तैयारी करो। दानियाल मैं तो बहुत खुश हूँ। वाह कुबरा, सच कहा था तुमने, तुम्हें लेने ना एक दिन बड़ी गाड़ी में शहजादा आएगा। लो आ गया शहजादा। ये तो अपना अपना नसीब है माह, किसी को बिन मांगे मिल जाते हैं और कोई एड़ियां रगड़ता रह जाता है। बस कर दो कुबरा, नसीब भी तुम्हारे जैसे ना खूबसूरत अप्सराओं के होते हैं। मेरी किस्मत में ना रोना ही है, इसी तरह कोसती रहूंगी। अब नसीब ही हुस्न का मोहताज है तो मेरी जान, इसमें मेरा क्या कसूर? अब क्या कहूँ, खैर छोड़ो कुबरा। आओ दानियाल भाई को देखने चले। चलो, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हूँ माशाल्लाह। चलो चलो। बस दादी, गालिब की खैरियत दरियाफ्त करने आया था। अरे बेटा, गालिब की क्या कहते हो, तो अजीब सा हो गया है, किसी से बात करता है ना किसी से मिलता है, बाहर जाता है आता है, सारा वक्त अपने कमरे में कैद है। उसे कुछ दिन अकेला छोड़ दे दादी, थोड़ा वक्त और लगेगा उसे अपने आप से लड़ने में, लेकिन मुझे उम्मीद है दादी वो अपने आप को निकाल लेगा इस काम से। अल्लाह उसे सब्र दे। मैं तो सोचती थी कि अपनी जिंदगी में उसके सर पे सेहरा सजा देखूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद ये ख्वाहिश लेके मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा है कि बुशरा का घर बस्ता देख लूं। तुम एक काम करो बेटा, अपनी अम्मा को मेरे पास भेजो। जी दादी। बुशरा की शादी तय कर लें।
आप कुछ लीजिए ना। नहीं थैंक यू, मैं ये सब नहीं खाती। ये मेरी बड़ी बेटी है सादिया। शादी हो गई इसकी? क्या ये भी अभी? जी इसकी शादी हो चुकी। ओ, तो यकीनन इसने भी दानियाल की तरह किसी अमीर लड़के से लव मैरिज की होगी। जी नहीं, इसके लिए लड़का मैंने खुद पसंद किया था। अब मैं तो समझ रही थी ये सब कुबरा लेकर आएगी, अमूमन ऐसे ही होता है ना। हाँ जी वो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहन वैसे आपका शादी कब करने का इरादा है? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? जी अब्बा, वो मैंने और दानियाल ने मिलकर तय किया था। बताए ना दानियाल। जी अंकल, मैं बताने ही वाला था। कब? निकाह वाले थे? जब सब कुछ तुम दोनों ने ही डिसाइड कर लिया तो फिर हमारी क्या जरूरत थी? शादी भी खुद ही कर लेते। बहन असल में अदवार बदल गए हैं, अब बड़ों को छोटों के फैसले मानने पड़ते हैं। बच्चों को भी चाहिए कि बड़ों को सिर्फ मान ही ना दें बल्कि उनके फैसलों को भी तस्लीम करना सीखे। बड़ों का मान रखा है तो ही बड़ों के बीच में बैठे हैं ना आंटी, नहीं तो रोज अदालतों में सैकड़ों कोर्ट मैरिज होती हैं।